हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्यूएनए वीडियो। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेहद इंपॉर्टेंट सवालों के ऊपर जो आप लोगों ने कमेंट के माध्यम से पूछा है। सो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग देखिए इस वीडियो को एंड तक ताकि आप लोगों के मन में चल रहे डाउट्स क्लियर हो सकें। सो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गाइस, निशांत शुक्ला पूछ रहे हैं, बस फैसिलिटी में नो क्यों करना है? अगर कोई दूर से आता है तो वो बस से ही ना जाएगा, आइज इंटू फिर हॉस्टल में जाएगा। देखिए गाइस, मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगा कि जो बस फैसिलिटी है वो केवल डे स्कॉलर्स के लिए है। जो स्टूडेंट पर डे अपने घर से यूनिवर्सिटी आना जाना करते हैं उनके लिए ये बस सर्विस जो है प्रोवाइड की जाती है यूनिवर्सिटी के साइड से, लेकिन ये भी एक पेड सर्विस है, ये फ्री सर्विस नहीं है गाइस, ठीक है। इसके लिए भी वो पे करते हैं पर मंथ, ठीक है। इसके अलावा गाइस, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो यूनिवर्सिटी बसेस हैं ये केवल यूनिवर्सिटी से 30 किलोमीटर के एरिया तक ही चलाया जाता है। इसके अंतर्गत आपका पेंडा रोड, अमरकंटक, राजेंद्र ग्राम शामिल हैं। अगर आप जो है पेंडा रोड, अमरकंटक और राजेंद्र ग्राम से हो तो आप जो है बस की फैसिलिटी ले सकते हो, ठीक है। सो आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड गाइस, नीतीश बेश पूछ रहे हैं, भैया फीस रिसिप्ट दो जेरोक्स रखे थे डीबी के टाइम, दोनों वहां देकर आ गए, अब मैं रखा ही नहीं हूं तो क्या करूं? देखिए गाइस, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। आप लोग फीस रिसिप्ट जो है फिर से डाउनलोड कर सकते हो। कैसे डाउनलोड करना है यहां पास मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं स्टेप बाय स्टेप। लोगों को फीस रिसिप्ट डाउनलोड करने के लिए गाइस एप्लीकेंट लॉगिन पे आप लोगों को लॉगिन करना होगा, ठीक है। इसका लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। यहाँ पास आप लोग नीचे देख पा रहे हो फॉरगेट द पासवर्ड का भी ऑप्शन है। अगर आप लोगों को आप लोगों का पासवर्ड याद नहीं है तो आप लोग फॉरगेट भी कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद गाइस आप लोगों को कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। कितने कोर्सेज के लिए आप लोग जो है सिलेक्ट हुए हो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, और जिसमें आप लोगों ने एडमिशन लिया है उस पर सिंपली आप लोगों को क्या करना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। आप लोग देख पा रहे होगे, उसके बाद नीचे आप लोग देख पा रहे होगे प्रिंट एडमिशन फॉर्म एंड फी रिसिप्ट, ठीक है। इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है, ठीक है। ध्यान रहे गाइस, जिस भी कोर्स के लिए आप लोग जो है एडमिशन लिए हो उसी पे ये क्लिक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को प्रिंट एडमिशन फॉर्म एंड फीस रिसिप्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पास आप लोग देख पा रहे हो फीस रिसिप्ट जो है डाउनलोड हो चुका है। आप लोग यहाँ पास प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड गाइस, काफ़ी लोगों को अभी डाउट हो रहा है हॉस्टल को लेकर, हॉस्टल फॉर्म को लेकर कि किन स्टूडेंट्स को हॉस्टल फॉर्म भरना है और किन्हें नहीं भरना है, ठीक है। क्योंकि गाइस उसमें सेकेंड सेमेस्टर लिखा गया था जो नोटिस जारी की गई थी उसमें, सो इसी को लेकर काफ़ी लोगों को अभी डाउट है कि जो न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट हैं वो इस हॉस्टल फॉर्म को भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, ठीक है। सो अभी आप लोगों को मैं इतना ही बताना चाहूँगा गाइस कि 15 मार्च को जो हॉस्टल रजिस्ट्रेशन फॉर्म आने वाला है, जो एक गूगल फॉर्म होगा, ठीक है। सो ये जो फॉर्म है ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो आप सभी लोगों को भरना है, ठीक है। सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा गाइस। साथ ही गाइस एक और क्वेश्चन ऐड कर दूं मैं, आदर्श मिश्रा ने पूछा है, सर फर्स्ट से मेन न्यू स्टूडेंट्स को कौन सा हॉस्टल मिलता है, ओबीसी बॉयज हॉस्टल और जीजीबीएच? रिप्लाई सर। देखिए गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोगों को दोनों हॉस्टल्स में से कोई भी हॉस्टल जो है आपको अलॉट किया जा सकता है, लेकिन गाइस आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो ओबीसी गर्ल्स हॉस्टल है और बॉयज हॉस्टल है ये अभी जो है फिलहाल बंद है, ठीक है। सो अभी आप लोगों का जो अलॉटमेंट है ये ओबीसी बॉयज में नहीं होने वाला है, आप लोगों को जीजीबीएच मतलब गोविंद गुरु बॉयज हॉस्टल मिलेगा। इसके अलावा गर्ल्स की अगर बात करें गाइस तो उन्हें आरडीबीएच मिलेगा, रानी दुर्गावती गर्ल्स हॉस्टल, ठीक है। सो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर फोर गाइस, आदिवासी किंगडम पूछ रहे हैं, भैया मैं ऑनलाइन डीबी करवाया पर फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा पाया, सर बोल रहे हैं कि अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा तो क्या मेरा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा? देखिए गाइस, ऐसा कुछ नहीं है, आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। अगर आपका जो फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना करवा पाने का कोई जेन्युइन रीजन था तो इस केस में आपका जो है वहां बात सुना जाएगा, ठीक है। आपको जाना चाहिए यूनिवर्सिटी, विजिट करना चाहिए
और अपने HOD से बात करना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि इस कारण से मैं अपना फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा पाया। सो अगर आपका जेन्युइन रीजन है तो वो कंसिडर करेंगे और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करेंगे। तो आप लोगों के पास केवल एक ही ऑप्शन है, आप लोगों को यूनिवर्सिटी विजिट करना चाहिए और अपने डिपार्टमेंट के HOD और डीन से बात करना चाहिए। सो आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 गाइस, मिस भानमती पूछ रहे हैं, हेलो सर गुड मॉर्निंग, हॉस्टल चार्ज ST कैटेगरी वालों का मंथ में कितना है। देखिए गाइस ये हॉस्टल फीस से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, तो देखिए गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा ST और SC दोनों के लिए हॉस्टल फीस जो है एग्जाम्प्टेड है, मतलब उन्हें हॉस्टल फीस में छूट दी गई है। उन्हें केवल हॉस्टल क्यूजन मनी बस पे करना होगा जो कि ईयरली पे होता है, मंथली पे नहीं होता है। ठीक है, मतलब आप लोगों को एक ईयर में केवल 500 रुपये ही पे करना है ST SC कैंडिडेट्स को, और बाकी OBC और जनरल कैंडिडेट्स को 3250 रुपये ईयरली फी लगता है हॉस्टल का। क्वेश्चन नंबर 6 गाइस, गोल्डी पूछ रहे हैं, भैया IGNITU में MBA प्राइवेट होता है क्या। नहीं गाइस, कोई भी कोर्स यहां प्राइवेट नहीं होता है, सारे कोर्सेस रेगुलर हैं। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट गाइस, असुर गेमिंग पूछ रहे हैं, ईयर 2022-23 का एडमिशन कब से चालू होने वाला है BA इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन सब्जेक्ट के। देखिए गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो न्यू सेशन का एडमिशन है वो स्टार्ट होगा अप्रैल के एंड तक। ठीक है, अप्रैल के एंड तक आप लोगों को जो है एडमिशन नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा फॉर द सेशन 2022-23 के लिए। सो आई होप गाइस आप लोगों को सब चीज क्लियर हो गया होगा, आपके जितने डाउट है सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। इस प्रकार का इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है।